हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भूमिका परमा। इन लास्ट वीडियो वी हैड सीन प्रोपोर्शन ऑफ रेशियोज। टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू सी परसेंटेज। रेशियो से हम लोग कंपैरिजन करते थे, सेम वे में हम लोग जो है परसेंटेज से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम 50% बारिश हुई थी, इस टाइम 75% बारिश हुई है, उससे 2 साल पहले 90% बारिश हुई है। तो इस तरह से हम लोग अगेन कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सेम वे में हम लोग जो है वो परसेंटेज जो है वो उससे हम लोग किस तरह से कंपैरिजन करते हैं, ये तो डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग देखेंगे परसेंटेज क्या होता है एंड उसको हम लोग किस तरह से टैकल करेंगे। सो परसेंटेज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। परसेंटेज एक और टाइप ऑफ क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए। अनिता रिपोर्ट टोटल मार्क्स जो है वो 40 हैं, उसमें से उसके मार्क्स आए हैं 320, जबकि रीता का जो रिपोर्ट है वो है 360 मार्क्स में से 300 मार्क्स आए हैं। अनिता के जो परसेंटेज है वो 80 हैं, जबकि रीता के जो परसेंटेज है वो 83.3 है। अब आप लोगों के भी जो रिजल्ट कार्ड बनते हैं उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो है हम लोग किस तरह से परसेंटेज में आप लोगों के भी मार्क्स आते हैं। तो मैथ्स में इतने मार्क्स, साइंस में इतने मार्क्स, ऐसे करके हम लोगों को फिर ओवरऑल निकालते हैं। फिर उसके ऊपर आप लोग का ओवरऑल रिजल्ट जो है वो परसेंटेज में हम लोग बनाते हैं कि सपोज आपका जो है वो 80% आया, 70% आया या 65% आया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी जो है परसेंटेज में देते हैं। अनिता सेड दैट शी हैज डन बेटर एज शी गॉट 320 मार्क्स। तो अनिता क्या बोल रही है, उसने 320 मार्क्स जो है वो हासिल की हैं, तो उसने अच्छा वर्क किया है। वेयर एज रीता गॉट ओनली 300 मार्क्स। अब मार्क्स की अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो रीता के सॉरी अनिता के जो मार्क्स हैं वो है 320, जबकि रीता के जो मार्क्स हैं वो हैं 300। तो दोनों की कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो अनिता के मार्क्स जो है वो ज्यादा है, राइट। बट अगर हम लोग दूसरी वे में जाएं तो मानसी जो है वो एक और नया ओपिनियन देती है। मानसी टोल्ड देम दैट दे कैन नॉट डिसाइड हु हैज डन बेटर बाय जस्ट कंपेयरिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन। तो मानसी जो है वो क्या कहती है कि जस्ट तुम लोगों ने जो है टोटल कितने मार्क्स हासिल किए हैं उसी के ऊपर से तुम लोग जो है वो कंपेरिजन नहीं कर सकते हो, बिकॉज द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ विच दे गॉट द मार्क्स आर नॉट द सेम। अब उन लोगों ने जो मार्क्स हासिल किए हैं वो जिस मार्क्स में से हासिल किए हैं, यानी जो हाईएस्ट टोटल मार्क्स हैं उसमें से उन लोगों ने जो हासिल किए हैं वो मार्क्स सेम नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं अनीता का जो है वो 400 टोटल मार्क्स थे, उसमें से 320 मार्क्स आए हैं, जबकि रीता के जो है वो टोटल मार्क्स 360 हैं, उसमें से 300 मार्क्स आए हैं। सो इन दोनों में डिफरेंस है, तो इन दोनों की कंपेरिजन जो है वो पॉसिबल इस तरह से, यानी ऑप्टेन मार्क्स से पॉसिबल नहीं है। सी सेज व्हाई डोंट यू शो द परसेंटेज गिवन इन योर रिपोर्ट कार्ड। तो मानसी जो है वो क्या बोलती है कि अरे तुम अपने रिपोर्ट कार्ड में जो परसेंटेज लिखे हैं उसको देखो और फिर उसके साथ कंपैरिजन करो। अनिता's परसेंटेज वॉज 80 एंड रीता's वॉज 83.3। तो अनिता के जो परसेंटेज हैं वो 80% हैं, जबकि रीता के जो परसेंटेज हैं वो 83.3 हैं। सो दिस वॉज रीता हैज डन बेटर। तो इसका मतलब क्या होता है कि रीता ने जो है वो बेहतर रिजल्ट जो है वो हासिल किया है। अब परसेंटेज के बारे में हम लोग देखते हैं। सो परसेंटेजेस आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 100। तो परसेंटेज बेसिकली क्या है, तो उसकी डेफिनेशन है, इसको आप लोग अंडरलाइन करके रखिए। परसेंटेजेस आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो हैं उसका 100 के साथ जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोगों को परसेंटेज मिलेगा। न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 100। डिनोमिनेटर जो है वो 100 होना चाहिए एंड हैव बीन
यूज्ड इन कंपेयरिंग रिजल्ट. तो ये जो है वो रिजल्ट कंपैरिजन करने में यूज होता है. अब बेसिकली हम लोग चलते हैं मीनिंग ऑफ परसेंटेज पे. तो परसेंटेज क्या है, तो उसका जो है हम लोग वर्ड फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं. परसेंट, परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम. पर्सन जो है वो लैटिन वर्ड परसेंटम से आया हुआ है. जैसे हमारा जो ज्योमेट्री है तो वो ज्योमेट्रॉन से आया है, सेम वे में परसेंट जो है वो परसेंटम से आया है, मीनिंग पर हंड्रेड, यानी कि हंड्रेड के ऊपर हम लोग जो है पर हंड्रेड यानी कि 100 के ऊपर हम लोग जो है वो उसको कंपैरिजन लेंगे. परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल परसेंटेज. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज का सिंबल, ये आप लोग फैमिलियर हैं. एंड मीन्स हंड्रेड्स टू, इसका मतलब और एक मतलब क्या होता है, हंड्रेड भी होता है. दैट इज 1% मीन्स, इसका मतलब क्या है, 1% मीन्स 1 out of 100 और 100th, 1 out of 100 और 100th. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1%. इट कैन बी रिटन एज 1% इज इक्वल्स टू 1/100 इज इक्वल्स टू 0.01. अब डेसिमल तो आप लोग अपने अगले स्टैंडर्ड में देख ही चुके हैं, तो इससे आप लोगों को इजीली पता चल जाता है 1/100 इज इक्वल्स टू 0.001. अब आगे देखते हैं. तो इसको हम लोग और ज्यादा स्पेसिफिकली अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप लोग ये एग्जांपल देख सकते हैं. To understand this, let us consider the following example. Rina made a table top of 100 different colored tiles. तो रीना ने जो है वो टेबल टॉप बनाया है और वो भी 100 different colored से, 100 different colored tiles से. She counted yellow, green, red and blue tiles separately and फाइल्ड द टेबल बिलो. तो उसने जो है 100 में से येलो टाइल्स कितनी हैं, ग्रीन टाइल्स कितनी बार आई हैं, रेड टाइल्स कितनी बार रिपीट हुई हैं, ब्लू टाइल्स कितनी बार रिपीट हुई हैं, तो वो सारे उसने यहाँ पे लिखे हैं. कैन यू हेल्प हर कम्प्लीट दिस टेबल. तो क्या आप लोग उसको टेबल कम्प्लीट करने में हेल्प कर सकते हैं. नंबर ऑफ टाइल्स येल्लो, येल्लो जो कलर है उसके टाइल्स जो है वो हैं 14. अब रेट पर 100, ऑब्वियसली उसने 100 में से 14 टाइल्स जो है वो ली हैं. सो रेट पर 100 इज ऑलवेज 14. अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो वो क्या होता है हम लोगों के पास, 14/100. वो क्या होता है हम लोगों के पास फ्रैक्शन फॉर्म, 14/100. अब इसको हम लोग परसेंटेज में लिखना चाहें तो जैसे 1% था तो 1/100 था, तो यहाँ पे 14/100 है तो वो होगा 14%. सो इसको हम लोग किस तरह से रीड करेंगे, 14% से. सेम वे में ग्रीन अगर हम लोगों के पास है 26 टाइल, सो 26, सो रेट पर 100 भी 26 ही होगा एंड 26/100, सो 26%. सेम वे में हम लोग इसको रीड करेंगे 26%. अब रेड एंड ब्लू टाइल, तो रेड जो है वो आप लोग सेम वे में लिख सकते हैं. ब्लू टाइल का देखते हैं, 25 टाइल्स हैं, सो रेट पर 100 इज अगेन 25. फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो 25/100, परसेंटेज हो गए 25%. सो इसको हम लोग लिखेंगे 25%. तो इस तरह से हम लोग जो है वो परसेंटेज को समझ सकते हैं. अब नेक्स्ट है टॉपिक परसेंटेज व्हेन टोटल इज नॉट 100. यहाँ पे तो टोटल 100 था तो हम लोग इजीली परसेंटेज निकाल सकते थे, लेकिन अगर परसेंटेज जो है वो 100 नहीं हो तो हम लोग किस तरह से जो है वो फ्रैक्शन लेंगे या सॉरी किस तरह से जो है वो परसेंट निकालेंगे, परसेंटेजेस निकालेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.